हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HI, इट प्रोड्यूसेस ऑप्शन ए 2-iodopropene, ऑप्शन बी एलाइल आयोडाइड, ऑप्शन सी प्रोपीन, ऑप्शन डी ग्लिसरॉल ट्राई आयोडाइड। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्लिसरॉल जब ट्रीटेड होता है एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड से, तब उसका प्रोडक्ट क्या आता है। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड HI। तो हम इस रिएक्शन को देखते हैं। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है CH2OH, CHOH एंड अगेन CH2OH। तो ये तीन, ये अल्कोहल ग्रुप वाला, यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ग्लिसरॉल में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। इसमें 3HI एक्सेस में है, ये ऐड होगा और ये ऐड होने से ये OH ग्रुप रिप्लेस्ड हो जाएंगे बाय आयोडीन आयोडाइड ग्रुप। तो CH2I यहाँ पे होगा CHI, यहाँ पे CH2I। तो ये है 1-2-3 ट्राई आयोडो प्रोपेन। तो ये जो कंपाउंड है ये है अनस्टेबल। तो यहाँ से स्टेबल बनाने के लिए ये क्या करेगा, ये ऐसे जाके यहाँ पे जो आई था ये लीव कर जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो आई है ये भी लीव कर जाएगा और यहाँ पे रहेगा CH2I। तो ये होगा एलाइल आयोडाइड प्लस I2, क्योंकि दोनों आई रिलीज हुआ है। फिर इसमें फिर से एलाइल आयोडाइड जो है इसमें फिर से HI आएगा। तो एलाइल आयोडाइड में फिर से हम HI ऐड करेंगे और इसके बाद जो प्रोडक्ट होगा वो होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और बैठेगा यहाँ पे और यहाँ पे आयोडीन। तो यह होगा CH3CHI CH2I। तो ये फिर से अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से फिर से -I2 हो जाएगा, आयोडीन लीव करेगा और फिर ये हो जाएगा CH3। अब इस जगह पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा क्योंकि ये जो दोनों आई है ये लीव कर रहा है। तो ये होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज प्रोपीन। अब प्रोपीन से यहाँ पे एक आई यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा CH3CHI CH3, दैट इज 2-iodopropene। दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HI। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 2-iodopropene। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।